नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है सीवान जिले के महाराजगंज मोहन चौक से, जहां पर अपराधियों ने एक पत्रकार को गोली मारकर घायल कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा है सीवान जिले के सुपौली में, और उनके आने के एक दिन पहले जो हिंदुस्तान अखबार के पत्रकार है राजेश अनल, उनको बदमाशों ने गोली मार दी है। बता दें कि राजेश अनल बाजार से अपने घर जा रहे थे, तभी मोहन बाजार के समीप बाइक सवार अपराधियों ने पीछे से फायरिंग की है, जिसमें गोली लग गई है। राजेश अनल को पीछे उनके जांघ में गोली लगी है, और बताया जा रहा है कि दो गोली लगी है लेकिन खतरे से बाहर बताया जा रहा है। बता दें कि राजेश अनल को आज से तकरीबन 17-18 साल पहले भी गोली मारी गई थी, और दूसरी घटना महावीर अखाड़े के दौरान चाकूबाजी उनके साथ की गई थी, उन्हें चाकू लगी थी तकरीबन 3 साल पहले, और फिर एक बार आज उन्हें गोली मारी गई है। इस घटना के बाद सीवान के एसपी सहित कई लोग सीवान के सदर अस्पताल में पहुंचे, और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सीधे एसपी की बातों को सुनते हैं। चाहेंगे जो घटना घटी है, पत्रकार को गोली मारी गई है, अब पुलिस इसका अनुसंधान कर रही है जी। इसमें जो भी शामिल है उसको शीघ्र गिरफ्तार करेगी। बस कुछ सर पता चला है कि आखिर क्यों गोली मारी गई है? बता नहीं रहे, अब अनुसंधान करेगी पुलिस। ठीक है, थैंक यू। तो सर क्या माना जाए कि जल्द कार्रवाई होगी इस पर? बिल्कुल 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 जल्द होगी।